Assalamualaikum, hey what's up guys, welcome back to a new video. आ चुका है finally तुम्हारा भाई आ चुका है कौन न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस सारी सिचुएशन आपको ही पता है कि काम की वजह से जो है ना मैं बहुत ही मुश्किल से आजकल वीडियोस बना पा रहा हूँ। आज से दो दिन पहले मैंने एक गेम प्ले अपलोड किया था तो उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया था। तो गाइस आज का थंबनेल देख के आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो चुका होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। जी हाँ गाइस, बहुत सारे भाई इतनी डिमांड कर रहे थे आईफोन SE का रिव्यू लाओ, तो फाइनली जो है ना तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है। तो आज की वीडियो में जो है ना मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, इस डिवाइस की एडवांटेजेस, इस डिवाइस की डिसएडवांटेजेस, तो लास्ट तक बने रहना। लेकिन उससे पहले जो है ना आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे से हाथों से जो है ना वीडियो को भी लाइक कर देना। जल्दी से जो है ना अपने भाई की 2K की फैमिली कम्प्लीट करा दो, बाकी बगैर किसी टाइम जाए के चलते अपनी वीडियो की जानिब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले जो है ना मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना 1 month मुझे हो गया यूज करते हुए iPhone SE 2020। तो गाइस सबसे पहले जो है ना इस डिवाइस की एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर जो इसकी एडवांटेजेस पर जो मोस्ट मतलब एक्सपेंसिव चीज है वो है इसका प्रोसेसर A13 Bionic, जो कि 11 Pro में होता है। तो समझ रहे हो ना किस तरह जो है ना ऑलमोस्ट ये जो है ना उससे भी आधी से भी कम डिवाइस में आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 प्रो लो और उसके साथ iPhone SE 2020 लो तो 11 प्रो की तीसरे हिस्से की जो अमाउंट होगी ना उसमें जो है ना लगभग आपको iPhone SE 2020 मिल जाता है। तो समझ रहे हो, और ये जो है ना 11 प्रो की टक्कर की गेम भी करता है, तो समझ रहे हो ना सीन। और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना जो मतलब लोअर कंटेंट बनाना चाहते हैं, जिनके पास अभी मतलब वो नहीं है कि वो 11 प्रो जैसे डिवाइस ले सकें, तो वो जो है ना iPhone SE 2020 लेना पसंद करते हैं। और उसके बाद एक और एडवांटेजेस ये है कि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से जो है ना ये आपको प्रॉपर 60 FPS भी देता है। और मुझे नहीं लगता कि इस अमाउंट में ये जो है ना ऑलमोस्ट हमें जो है ना 28, 29 या 30 के दरमियान में जो है ना हमें मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट वगैरह होते हैं। तो ये सीन है, यहाँ तक लगभग जो है ना मिल जाती है। तो समझ रहे हो ना मतलब समझ रहे हो ना 28-29 हज़ार में एक 60 FPS डिवाइस जो कि कंटेंट भी बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प करती है, तो कौन मिस करेगा। मतलब हम जैसे जो लोग हैं ना वो इसे लेना पसंद करते हैं। तो बाकी जो है ना तो ये इसके एडवांटेजेस में आ जाता है। और उसके बाद जो अगर बात की जाए तो इस पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने एक्वस R2 जो था ना, R2 हो गया और दूसरी भी कई डिवाइसेज हैं जो कि 60 FPS मतलब प्रोवाइड करती हैं इस अमाउंट में, लेकिन इससे भी शायद कम अमाउंट में, लेकिन उनका जो मेन इशू था लैग जो है ना बहुत ही ज्यादा करती थी, लेकिन उनके मुकाबले में ये डिवाइस लैग बहुत ही कम करती है। बाकी बहुत सारे भाई जो है ना कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि भाई हमने कंटेंट बनाने के लिए iPhone SE 2020 ले लें या ना लें, तो वो जो है ना मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो है ना इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसकी डिसएडवांटेजेस में जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है ना इसका जो है ना साइज है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर आप मोबाइल वगैरह में देखोगे तो महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने हाथ में उठाया तो ये हमारे हाथ में ऐसे अगर मुट्ठी बांध कर तो ऐसा लगता है कि मोबाइल नजर ही नहीं आएगा, इतना मतलब इसका साइज है। अगर आपने iPhone 6s वगैरह देखा हो तो सेम वही साइज है इसका। तो बहुत सारे भाई जो है ना प्रैक्टिस करके जो है ना अपनी ग्रिप वगैरह सेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक छोटी सी डिवाइस पर अपने हाथ वगैरह फिट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे भाई 4 finger 5 finger खेलते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। तो लेकिन ये है कि अगर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो आपकी ग्रिप बैठ सकती है। बाकी उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इसमें थोड़ा हीट प्रॉब्लम भी है, और सबसे मेन जो है ना इसकी बैटरी और हीट ये दोनों भी बहुत ही मतलब गलत टाइप हैं। ये हमें गेम पर जो है ना बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो चार्जिंग लगा कर ही मैं यूज करता था, लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था, जब चार्जिंग लगा कर गेम खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा जो है ना इसमें हीटअप का इशू नजर आता है। अगर आप ऐसे ही खेलते हैं तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंटेंट बनाने के लिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हीट करेगा, यहाँ तक के थोड़ा बहुत FPS भी ड्रॉप कर सकता है। लेकिन ये जो है ना इसके मुकाबले में जैसे एक्वस R2 वगैरह ऐसी डिवाइसेज है ना उनसे काफी अच्छी गेम आपको दे सकता है। तो अगर आप ये डिवाइस कंटेंट बनाने के लिए लेते हैं तो ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेनी, लें, लेकिन उसके साथ जो है ना लाजमी से एक कूलिंग फैन ले लें, और जब कूलिंग फैन वगैरह आप यूज करोगे ना तो उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कोई अच्छा सा कूलिंग फैन ले लो जिससे जो है ना आपकी डिवाइस हीट बहुत ही ज्यादा कम करेगी, तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी ऑन करके मतलब सुकून से खेल सकते,
क्योंकि जैसे ही 17.4.1 अपडेट आया है आईफोन SE में, तो इसमें थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लाजमी से कूलिंग फैन साथ लगा लो, फिर आप जो है ना इंशाल्लाह आपका कंटेंट वगैरह भी निकल आएगा, क्योंकि मैं भी इसी डिवाइस पर कंटेंट बनाता हूं। तो ये सीन था। और अभी जो है ना अगर कोई चीज़ मैंने मिस की हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो, तो वो उसका जवाब भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर दे दूंगा अपनी अगली वीडियो में जिस तरह भी ना। तो बाकी लव यू हो गया। तो ये सीन है, मैं ये आप जो है ना कंटेंट बनाने के लिए ये डिवाइस ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ये डिवाइस यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसे हीटअप से बचाएँ और कोशिश करें कि अच्छी कंडीशन में लें, ताकि जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना 85+ हेल्थ लेनी है, ताकि थोड़ी बहुत बैटरी भी ड्रेन कम हो और अच्छा चार्जर लगा कर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो है ना अगर आप कंटेंट बना रहे हो या लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो तो उसे चार्जिंग लगा के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ही जल्द ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। तो ये बाकी ये है कि ये डिवाइस आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाती है और प्रॉपर 60 FPS भी देती है और HDR पर एक्सट्रीम देती है, समझ रहे हो ना। तो ये गाइस आज का रिव्यू था, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, इंशाल्लाह जो है ना मैं इस पर ज़रूर बिल ज़रूर जो है ना आपको जवाब दूंगा। बाकी ये बता दूँ नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस टॉपिक पर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह तुम्हारा भाई बना देगा। बाकी इंशाल्लाह जो है ना आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कि आगे स्क्रीन में शो होंगी आपको, तो वहीं वीडियो पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।